हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर डॉट अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 5 जो कि है राइट्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि राइट्स क्या होते हैं, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये जो राइट्स का कंसेप्ट था। फिर हम देखेंगे जो राइट्स हैं उन्हें हम बेसिकली किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि कौन से राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का या हमारी इस वीडियो का प्राइम फोकस रहेगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। इस चैप्टर में सबसे पहले जो डिस्कशन का टॉपिक बनता है वो ये बनता है कि राइट्स होते क्या हैं। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि राइट्स क्या हैं, तब तक हम और जो इसके साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं समझ सकते हैं। तो पहले देखते हैं राइट्स का क्या मतलब है। राइट इज एसेंशली एन एंटाइटलमेंट और जस्टिफाइड क्लेम। देखिए, राइट्स हम लोग ये सोचते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ है जिसे कि हम क्लेम कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे क्लेम के साथ जो एक वर्ड यूज़ किया गया है वो क्या है, जस्टिफाइड। कि आप ऐसा नहीं है कि आप कल को गवर्नमेंट के पास या किसी के पास जाके ये कह रहे हैं कि हाँ मैं ये सोचता हूँ तो इसलिए ये मेरा राइट है, मगर उस राइट को जस्टिफाइबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अनजस्ट कोई भी चीज़ है उसे हम राइट के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते हैं। वैसे राइट को क्या सोचा जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारा अधिकार है जिससे कि हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फंडामेंटल राइट है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे कि फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। तो हम राइट टू इक्वालिटी के अंडर जो अगर हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सोचना ये है कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमारा एक जस्टिफाइड क्लेम है, इस वजह से वो हमारा राइट है। और ये जो राइट्स है इसके साथ एक और चीज़ जो जुड़ी रहती है वो क्या रहती है कि जो राइट्स होते हैं वो लेजिटिमेट क्लेम्स होते हैं। अब मैंने बात की फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारी कंट्री की रूल बुक। और रूल बुक के अंदर जो भी मेंशन है उसे एक सेंक्टिटी मिलती है, और उस सेंक्टिटी के कारण उस जो पर्टिकुलर चीज़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात ना भी करें और भी कोई लॉ के थ्रू अगर हमारी गवर्नमेंट कोई हमें राइट प्रोवाइड कर रही है तो वो राइट भी लेजिटिमेट क्लेम कहलाता है। लेजिटिमेट क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है जो लेजिटिमेट वे से चुन के आई है, उन्होंने वो रूल हमें बना के दिया है जिसके अंडर हमारे पास वो राइट मिल रहा है, इस वजह से इसे लेजिटिमेट क्लेम बोला जाता है। और आप याद रखिएगा कि जितने भी राइट्स होते हैं वो लेजिटिमेट क्लेम होते हैं। हमने देख लिया सबसे पहले कि वो जस्टिफाइड क्लेम होना चाहिए, फिर वो जस्टिफाइड हो उसके साथ साथ वो लेजिटिमेट क्लेम होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो लगता है, अब सपोज कीजिए कोई इंसान कहेगा कि मेरे हिसाब से तो जस्टिफाइड है ये वाला क्लेम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जस्टिफाइड क्लेम वो सोच रहा है वो राइट की फॉर्म में उसे मिल जाएगा। राइट वो मिलता है जो कि सारे जो लोग हैं, जितने भी और लोग हैं, उन्हें लगे कि हाँ ये सही है। फॉर एग्जांपल देखिए, हम मैंने भी क्या बात की कि जो गवर्नमेंट है वो कोई भी रूल बनाती है, ये लॉ बनाती है, उस लॉ के अकॉर्डिंगली हमें राइट प्रोवाइड किया जाता है। पर हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो जो बाकी के लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का जो लॉ है वो गलत है, तो उस केस में क्या होगा, जो लोग हैं वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। क्या हो रहा है इस कंडीशन में कि जो लोग हैं या मैक्सिमम लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये शायद जो लॉ बना के हमें राइट दिया गया है वो सही नहीं है या वो हमें नहीं चाहिए था, तो उस केस में जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और गवर्नमेंट को एट द एंड कंपेल होके ये जो लॉ है इसे ख़त्म करना पड़ेगा। और जो वो राइट उन्होंने दिया था गवर्नमेंट ने और जो लोगों को लगा कि वो डिज़ायरेबल नहीं है वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो हमें इन सारी चीज़ों से क्या समझ में आता है कि जो राइट है उसका क्या मतलब है, कि हमारी कौन सी एंटाइटलमेंट्स हैं, क्योंकि हमें क्या क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा लीगल सिस्टम एक तरह से प्रोवाइड करता है कि आप ये चीज़ें क्लेम कर सकते हो। दैट मीन्स जो राइट्स होंगे जस्टिफाइड और लेजिटिमेट क्लेम्स होंगे। Rights are primarily those claims that I along with others regard to be necessary for leading a life of respect and dignity. कि राइट्स एक्चुअल में वो क्लेम्स होते हैं
जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हिसाब से नहीं, बल्कि सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर जो क्लेम है वो हर किसी को मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी रिस्पेक्ट से और डिग्निटी मेंटेन करके जी सके। क्योंकि देखिए, हमारे पास वैसे भी राइट है, फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो उस केस में क्या है कि जो हर इंसान है उसके पास ये राइट है। खासकर इंडिया के केस में भी अगर हम बात करें तो इंडिया के केस में इसे फंडामेंटल राइट के अंडर रखा गया है कि हर इंसान के पास राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी खुशी से और डिग्निफाइड वे में जी सके। वही यहाँ पे भी लिखा है कि जो राइट्स है वो क्लेम होती हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको ओबे करता है या उसे सपोर्ट करता है। Rights entitle us for basic respect and dignity that we require and work for our well-being. अब मैंने जैसे यहाँ पे बात किया ना कि ऐसा नहीं है कि हमें जो लगता है वो हमें मिल जाए। अगर सपोज पूरी सोसाइटी या मैक्सिमम लोग उस चीज़ को एग्री करते हैं तभी वो हम बोल सकते हैं जस्टिफाइड क्लेम बन के आता है और उसे लेजिटिमेसी मिलती है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सपोज कीजिए कोई इंसान ऐसा सोचता है कि मेरे हिसाब से तो जस्टिफाइड है कि मैं ड्रग्स ले सकता हूँ, मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। पर एक्चुअल में ये जो ड्रग्स लेना या स्मोकिंग करना ये अपनी वेलबींग के लिए भी बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी तरीके से जो हमने अभी बात की ना कि राइट्स का क्या मेन पर्पस है कि हर इंसान अपनी लाइफ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से जी सके, तो वो इन दो केसेस में नहीं हो पा रहा है, ड्रग्स और स्मोकिंग के केस में। तो इस वजह से ये जो राइट्स हैं जो इंसान सोच रहा है कि ड्रग्स और स्मोकिंग करना उसका राइट है, वो एक्चुअल में राइट नहीं कहा जा सकता क्योंकि जस्टिफाइड नहीं है वो चीज़। तो ये एग्जांपल बनता है। इससे हमने क्या इस पूरी स्लाइड में समझा कि राइट जस्टिफाइड क्लेम्स होते हैं जो कि लेजिटिमेट होते हैं, और दूसरी बात कि ये जो राइट्स होते हैं ये एक्चुअल में किसी भी पर्सन के को एंटाइटल करते हैं कि वो अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट और डिग्निटी से कंटिन्यू कर सके। और ऐसा नहीं है कि हर इंसान अपने हिसाब से कुछ भी सोच के उसे बोल दे कि वो जस्टिफाइड क्लेम है, उसके लिए वो जेन्युइनली जस्टिफाइड होना चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल है सोसाइटी में उन्हें भी लगना चाहिए कि हाँ जो ये सोच रहा है या जो ये बंदा चाहता है वो जेन्युइनली सही चीज़ है। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। फिर बात आती है कि जो ये राइट्स हैं, हमने देख लिया राइट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, अब बात आती है ये जो राइट्स हैं क्या इनकी जो उपज है ये अभी के टाइम में हुई है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि इंडिया के केस में क्या पूरे वर्ल्ड में नेचुरल राइट एग्जिस्ट करते हैं। अब वो नेचुरल राइट्स क्या है वो हम देखते हैं, पर पहले देखिए कि 17th और 18th सेंचुरी में भी जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, मतलब थिंकर्स थे, उनका कहना ये था कि जो राइट्स हैं वो बाय नेचर हमें मिले हुए हैं। मतलब गॉड ने हमें कुछ पर्टिकुलर राइट्स दे के इस धरती पे भेजा है, उसके लिए किसी रूलर की सेंक्टिटी की हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो किंग होते थे वही रूल करते थे, और वो जो किंग होते थे वो सुप्रीम रहता था और वो अपने हिसाब से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाता था और लोगों को राइट्स देता था। तो इस केस में क्या है, जो 17th और 18th सेंचुरी के जो थिंकर्स थे उनका कहना ये है कि किंग के रूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाय नेचर भी हर इंसान को कुछ नेचुरल राइट्स मिले हैं। और वो 3 मेजर जो नेचुरल राइट्स हैं वो क्या है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। एक ही हर इंसान के पास राइट है ज़िंदा रहने का, आज़ादी है, लिबर्टी है, लिबर्टी हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था लिबर्टी क्या होता है, और तीसरी चीज़, तीसरा नेचुरल राइट क्या है, प्रॉपर्टी। एक ही उसके पास राइट है वो प्रॉपर्टी गेन कर सकता है। मगर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती गई, जैसे कि साइंस इवॉल्व होती गई, तो लोगों का ये जो हमने बात की ना कि जो पुराने थिंकर्स थे उनका कहना ये था कि ये जो राइट्स है ये गॉड के द्वारा दिए गए हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया गॉड के ऊपर। उन्होंने ये ज़रूर माना कि ठीक है कुछ नेचुरल राइट्स हैं, वो नेचुरल राइट्स क्यों है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट के कारण है कि ह्यूमन क्या चाहता है उस वजह से है। अब आपको याद होगा ये बीच में संधारा करके जो एक
प्रथा है जेंट्स की, उसके रिलेटेड इश्यू उठा था 2016 में आई बिलीव। उनका कहना क्या था कि ये जो परंपरा है जैनिज्म में, वो एक्चुअल में जो राइट टू लाइफ है उसके अगेंस्ट में जाती है। क्यों? उसमें क्या रहता है कि सपोज कीजिए कोई भी इंसान है, उसे लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में जो उसे करना था वो कर लिया है और अब वो मालिक के साथ जाके उसमें समाना चाहता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपना जो खाना पीना है वो कम करते करते फास्ट करता है, फास्ट अनटू डेथ टाइप बोल लीजिए। मगर क्या रहता है, फिर बाद में उस इंसान के पास पूरी अथॉरिटी रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंपेल्ड है कि उसे ये करना ही है, जब वो चाहे तब वो दोबारा से ये जो फास्ट अनटू डेथ के टाइप की जो उन्होंने चीज़ की है, प्रथा की है, वो ख़त्म कर सकते हैं और दोबारा अपनी रूटीन वाली लाइफ में आ सकते हैं। पर लोगों का कहना क्या था कि ये जो राइट टू लाइफ है उसके इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट में है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का इंस्टिंक्ट है कि वो हमेशा अपनी लाइफ में सर्वाइव करके जिंदा रहना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि आज भी हम बिलीव करते हैं कि हर किसी का राइट टू लाइफ जो है वो नेचुरल राइट है। फिर लिबर्टी, क्योंकि देखिए हमने पहले भी बात किया था कि फ्रीडम हर कोई चाहता है, और मैंने बहुत बार बात कर ली है कि जो फ्रीडम है और लिबर्टी है कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम टू स्पीक या टॉलरेंस की पावर, कि हाँ ठीक है मुझे चाहे आपकी बात समझ में नहीं आए, मुझे लगे कि आप जो बोल रहे हैं गलत है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोलने से रोकूं। और हर कोई यही चाहता है कि जब मैं बोलूं तब दूसरा सुने और मुझे इंटरप्ट ना करे, तो ये सेकेंड राइट है, जो वो भी हम समझ सकते हैं कि बाय नेचर ह्यूमन के पास है। प्रॉपर्टी, देखिए हर कोई अपनी एरिया चाहता है जिसे वो अपना घर कह सके, जैसे कि कई लोगों के अपने घर होते हैं, कोई रेंटेड रहते हैं, तो ये भी बाय नॉर्मल नेचर ह्यूमन के अंदर ये तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। पर क्या हुआ, जैसे साइंस इवॉल्व हुई तो साइंस वालों ने ये बोला कि गॉड के ऊपर हम बिलीव नहीं करते हैं। हमारा कहना ये है कि ये जो तीनों राइट्स की आप बात कर रहे हो, ये नेचुरल राइट की जगह ही से हम ह्यूमन राइट्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी विद प्रूफ आपको बताया कि कैसे ये जो तीनों राइट्स हैं ये बाय नेचर, बाय ह्यूमन नेचर उसके अंदर होते हैं। तो ह्यूमन हमेशा एस्पायर करता है कि ये थ्री जो राइट्स हैं उसे मिले, तो इसलिए इसे हम ह्यूमन राइट्स बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि गॉड, जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं, उसको हम बीच में लाएं और बोले कि गॉड की वजह से हमें ये राइट्स मिले हैं। अब लोगों का क्या कहना है कि ये जो ह्यूमन राइट्स है ये एक तरह से गारंटीड राइट्स हैं, एक ही हर इंसान के पास ये राइट है, ताकि वो मिनिमम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अचीव कर सके, एटलीस्ट वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सके। इसके लिए ये तीन चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। ये हो गया राइट्स की बात। और देखिए ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो तो बाय टाइम एक्सपेंड होते ही जाते हैं। उसका कारण है, अभी हमने क्या बोला कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये एक्चुअल में वो राइट्स हैं जो कि ह्यूमन को गारंटी किए जाते हैं, ताकि वो मिनिमली गुड लाइफ जी सके, अच्छी ज़िंदगी जी सके। अब देखिए अच्छी ज़िंदगी का मतलब धीरे धीरे चेंज होता जाता है। आप देखेंगे तो जैसे कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि हम लोग, तो हम में अच्छी ज़िंदगी का मतलब सिर्फ इतना है कि रोटी मिल जाए और रहने के लिए छत मिल जाए, या एक रहने के लिए कुछ ऐसी जगह मिल जाए। क्योंकि देखिए कई लोग तो ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर किसी को छत मिलती है। तो हम लोगों की रिक्वायरमेंट यहाँ तक रहती है कि हाँ ठीक है खाना मिल जाए और रह मतलब रात को हम सो जाएं, कोई भी ऐसी जगह मिल जाए। आप सिर्फ अपने आप से रिलेट मत कीजिए, बहुत सारे जो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं पैसे गेन करने के, और उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं रहती है, तो उनकी सोच यही रहती है। मगर अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएंगे ना, तो उसमें जो गरीब से गरीब इंसान भी होता है उसकी भी थिंकिंग क्या होती है, उसके पास भी अपना घर होगा, उसे कुछ बेसिक इनकम मिलती है। जैसे आपको पता होगा ना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो इंडिया में बात चली थी वो एक्चुअल में बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। उसमें क्या रहता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम है कि जो कि हर इंसान को जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो देती है, ताकि वो जो मिनिमम गुड लाइफ के स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन कर सके। तो क्या हो रहा है कि हर जगह के जो अपने अपने मिनिमम गुड लाइफ की डेफिनेशन है वो चेंज होती है। वो चेंज क्यों होती है, जैसे जैसे उनकी सोसाइटी इवॉल्व होती है वैसे वैसे उनकी डेफिनेशन भी चेंज होती जाती है। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि ये जो ह्यूमन राइट्स की हम जो बात कर रहे हैं वो हमेशा एक्सपेंड होनी ही है, क्योंकि सोसाइटी हर जगह इवॉल्व होगी, और जैसे वो इवॉल्व होगी वैसे वो ज़्यादा डिमांडिंग बनेगी, जैसे वो ज़्यादा डिमांडिंग बनेगी वैसे ही ये जो मिनिमली गुड लाइफ के लिए जो हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं वो एक्सपेंड होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, देखिए अभी हमें पता है कि जैसे
सोसाइटी इवॉल्व होती है, कुछ ये हमने पॉजिटिव बात की, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, कुछ नए तरीके चैलेंजेस भी हमारी सोसाइटी में अराइज होते हैं। अब आप देखिए कि पहले जब हम मीडिया की बात करते थे तो प्रिंटेड मीडिया की बात होती थी, पर अब क्या है, प्रिंटेड मीडिया में लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि ये जो इंटरनेट के बेसिस पे मीडिया हमें मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें इंटरेस्ट रहता है। तो ये क्या हो रहा है कि अब जो लोग हैं वो इंटरनेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर हो क्या रहा है कि इससे जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है वो ज़्यादा थ्रेटन रहती है। ये अपने आप में गवर्नमेंट के लिए चैलेंज रहता है कि कैसे वो जो सिक्योरिटी है उसे मेंटेन करके रखें, और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कोई भी इंसान ऐसा कोई पोस्ट ना कर दे जिससे कि दूसरे इंसान की जो डिग्निटी है वो हर्ट हो। इसलिए क्या है, जो गवर्नमेंट है वो नए नए तरीके के चैलेंजेस को फेस करने के लिए नए नए तरीके के लॉस बनाती रहती है, नए नए तरीके के हर इंसान के राइट्स उजागर होते रहते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी लॉ बनेगा तो उससे या तो हमें नए राइट्स मिलते हैं या हमारे ऑलरेडी जो राइट्स हैं वो मिनिमाइज होते हैं, उन्हें कम किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ होगी तो जो ह्यूमन राइट्स का ये जो एरिया है जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, वो या तो एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों में से एक चीज़ होती है। ये हमने देख लिया राइट्स की बात, एंड में वो भी वही बताया जाता है कि ह्यूमन राइट्स कैसे एक्सपेंड होते जाते हैं। जैसे पहले हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स में राइट टू लाइवलीहुड था, राइट ऑफ चिल्ड्रन, मैन वुमेन, बहुत सारे राइट्स हैं जो हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारी सोसाइटी में इंक्रीज होते जाते हैं। अब देखिए, हमने ह्यूमन राइट्स की बात की, अब कुछ ह्यूमन राइट्स जो हैं उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है जिसकी हम फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में बात करते हैं, कुछ ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी है पर वैसे लॉस की फॉर्म में है। तो अब हम थोड़ा राइट्स के ऊपर इन डेप्थ जाते हैं। तो देखिए, बिल ऑफ राइट्स इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज लाइक फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ इंडिया। देखिए, जो बिल ऑफ राइट्स है, मतलब जिसमें कि पूरी राइट्स की बताया गया है कि कौन से राइट्स जो सिटीजन्स हैं उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं, वो हर कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें लिखे होते हैं। जैसे कि इंडिया के केस में फंडामेंटल राइट्स हैं। अभी तक हमने ह्यूमन राइट्स की बात की, जो हमने बोला कि नेचुरली हर ह्यूमन इंस्टिंक्ट में रहता है। अब हम बात कर रहे हैं जो ह्यूमन नेचर के या ह्यूमन राइट्स के बिना अदर जो राइट्स हैं जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे जो रूल बुक है या हमारे जो लॉ ऑफ लैंड है उसमें कैसे इंक्लूड करते हैं। तो उसमें एक तो तरीका क्या है, फंडामेंटल राइट्स का, कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर हम कुछ ऐसे राइट्स रख दें जिसके कारण क्या रहेगा कि वो जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, देखिए स्पेशल क्यों हैं कि अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है जिसके पास हम जा सकते हैं और अपना जो राइट हमारा वायलेट हुआ है उसके खिलाफ अपनी जो अर्जी है वो दाखिल कर सकते हैं। मगर जो है तो हमारे पास फंडामेंटल राइट के बिना और भी बहुत सारे राइट्स, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही फंडामेंटल राइट्स के बिना बाकी जो प्रोविजंस में जो राइट्स हैं उनको अगर हम देंगे तो वो वहाँ पे भी राइट्स हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी बाय टाइम लॉज वगैरह बनाती रहती है, लॉज बना के हमें राइट्स देती है। जैसे आरटीआई का राइट है हमारे पास, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो वो जो है वो भी लॉ के थ्रू ही बना था। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसे लगता है कि हाँ कौन से ऐसे और राइट्स हैं जो सिटीजन्स को देना ज़रूरी है ताकि वो जो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उसे मेंटेन कर सके लाइफ में, अपनी लाइफ में इवॉल्व हो सके। तो वो सारे राइट्स हमारे जो गवर्नमेंट है वो ध्यान में रखती है और उन्हें इंश्राइन करती है इन कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज, ताकि क्या रहे कि उन्हें लीगल सैंक्टिटी मिले, उन्हें लेजिटिमेसी मिले। और देखिए, यही कारण है कि कुछ ऐसे थ्योरिस्ट या थिंकर्स थे जिन्होंने राइट्स को क्या कहा कि राइट एज अ क्लेम्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, कि राइट्स वो क्लेम होते हैं जिसे कि जो स्टेट है वो रिकॉग्नाइज करती है। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि जो राइट्स है वो लेजिटिमेट होने चाहिए, उन्हें लेजिटिमेसी कहाँ से मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है, और गवर्नमेंट का मतलब क्या है, स्टेट। तो अगर स्टेट हमें कोई भी राइट्स दे रही है तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि राइट ऐसे क्लेम्स हैं जो कि हमारी जो स्टेट है वो रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ भाई इस बंदे को ये राइट चाहिए इसलिए हम ये राइट इसे दे रहे हैं। पर कई बार क्या होता है कि ठीक है कुछ चीज़ें तो स्टेट अपनी मर्जी से देती है, मगर होता क्या है कि बहुत बार बिना स्टेट की मर्जी के भी उनसे बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती है और स्टेट को लिमिट किया जाता है कि वो किस किस एरिया में कैसे कैसे काम नहीं कर सकती है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, स्टेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए स्टेट भी
अथॉरिटेटिव हो सकती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता कि जो स्टेट है वो अथॉरिटेटिव बने। स्टेट के साथ क्या होता है, अब जैसे कुछ हमारे पास राइट्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन की ही हम बात कर लें, तो जो राइट टू एजुकेशन है उसके अंडर क्या है, जो स्टेट है उसको ऑब्लाइज किया जाता है कि भाई आपको जो लोग हैं उनकी जो एजुकेशन के रिलेटेड राइट है उसे मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करती है जो गवर्नमेंट है, बहुत सारी ऐसे नए नए लॉज बनाती है, राइट्स देती है लोगों को, ताकि उनकी जो बेसिक एजुकेशन का राइट है उसे फुलफिल किया जा सके। जैसे कि हमें पता है मिड डे मील वगैरह की जो स्कीम्स थी, इसका मेन पर्पस क्या था, सिर्फ यही तो था कि जो लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल्स में आए, खाने के बहाने ही आए, उन्हें ये लगेगा कि वहाँ पे खाना मिल जाएगा हमें फ्री में, बट एक्चुअल में क्या होगा, वो वहाँ पे आएंगे तो कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है वो चाहती है कि कैसे ना कैसे करके जो लोग हैं वो उनका जो बेसिक राइट्स हैं, जो कि स्टेट की ऑब्लिगेशन है, जो स्टेट को उन्हें प्रोवाइड करनी है जो जो फैसिलिटीज, वो उन्हें मिल सके। तो यहाँ पे एक लाइन है, इसे आप याद रख सकते हैं, राइट्स डज नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट स्टेट मस्ट डू बट आल्सो सजेस्ट व्हाट स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग लाइक अरेस्टिंग। एक राइट्स जो है वो सिर्फ ये नहीं बताते कि स्टेट को क्या करना है, पर वो ये भी बताते हैं कि स्टेट को क्या नहीं करना है। जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसमें एक तरह से जो स्टेट है, कुछ ऐसे प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि स्टेट को ऐसा बोला जाता है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि वो बताती है स्टेट को कि आपको क्या क्या नहीं करना है, ये यहाँ पे इसका मेन मतलब है। अब बात आती है बाद में एंड में कि राइट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। हमने देख लिया राइट्स क्या होते हैं, हमने ये देख लिया कि राइट्स जो हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ, फिर हमने देखा कि जो राइट्स है वो ह्यूमन राइट्स हैं और कौन से राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स या जो भी अदर राइट्स हैं जो हमारी स्टेट को लगे वो हमें प्रोवाइड करती है। अब बात आती है कि जो राइट्स हैं वो मेनली कितने टाइप्स के हो सकते हैं। हमने अभी तक अपने जितने भी चैप्टर डिस्कस किए हैं, चाहे उसमें फ्रीडम हो चाहे इक्वालिटी हो, हमने क्या बात की थी कि जो फ्रीडम है चाहे इक्वालिटी है वो थ्री एस्पेक्ट में मिल सकती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। तो सेम एज इट इज़ जो राइट्स हैं वो भी इसी तरह से वर्क करते हैं, पर यहाँ पे क्या होगा, पॉलिटिकल तो ज़रूर होगा, इकोनॉमिक ज़रूर होगा, सोशल का कोई मतलब नहीं बनता है जब हम राइट की बात कर रहे हैं। तो सोशल की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल्चरल राइट्स, क्योंकि सोशल में या सोसाइटी में क्या रहता है, कल्चर, तो इसी वजह से सोसाइटी की जगह या सोशल की जगह यहाँ पे कल्चरल राइट्स बोल दिया जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो वो आप बहुत अच्छे से अपने आप को रिलेट कर सकते हो पॉलिटिकल राइट्स का क्या मतलब होगा, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू वोट हो गया, राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव या राइट टू कंटेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल राइट्स में आ जाएगी। और ये जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं और जो सिविल लिबर्टीज होती हैं, इन दोनों को बेसिक हम बोल सकते हैं कि ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की या डेमोक्रेटिक सिस्टम की बेसिक जो नीड्स है या बेसिस है वो उसे प्रोवाइड करते हैं। सिविल लिबर्टीज तो आप समझ रहे होंगे, लिबर्टी हमने अभी तक बहुत बार डिस्कस कर लिया क्या होता है, सिविल मतलब जो सिविल केसेस में होती है। तो जो सिविल लिबर्टीज है उसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि हर इंसान के पास आज़ादी है या उसे ये राइट है, ये उसकी लिबर्टी है कि उसके साथ फ्री एंड फेयर ट्रायल उसके साथ किया जाए, उसको राइट मिले कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्चुअल में देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सिटीज़न है उसके पास पूरी पावर रहती है, और अगर उस सिटीज़न के पास पावर है तो उसको पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, और दूसरी बात क्या रहेगी कि उसकी जो लिबर्टीज़ हैं, आज़ादी है, वो सारी हमेशा ध्यान में रखी जाएंगी। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सिटीज़न है या डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सिटीज़न की इतनी पावर है, वहाँ पे ये पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ उसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या उसे बेसिक प्रोवाइड करते हैं उसकी जो पॉलिटी है उसको। फिर बात आती है इकोनॉमिक राइट्स की। इकोनॉमिक राइट आप नाम से समझ रहे होंगे, इकोनॉमिक राइट्स ये हैं कि हर किसी के पास राइट होगा कि उसकी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं उसे कहीं ना कहीं तक फुलफिल किया जाए। इकोनॉमिक नीड्स तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि आज मैं अगर बोलने लग जाऊँ मेरी इकोनॉमिक नीड 10 लाख की है तो उसे 10 लाख प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इकोनॉमिक राइट्स का देखिए एक मतलब ये है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अच्छे से कम्पीट कर सकें, और अगर उन्हें लगे कि आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो आपको मिलेगा।
दूसरी बात क्या आती है इकोनॉमिक राइट्स में कि देखिए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो हर किसी को प्रोवाइड करके देना चाहिए, तो उसके बारे में जो हमारी गवर्नमेंट है वो ध्यान रखेगी। जैसे कि देखिए हम इतनी डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करें, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे PDS सिस्टम है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो PDS सिस्टम के अंडर, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंडर क्या रहता है कि लोगों को आप ये मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते भाव में राशन मिल जाता है। ये किस लिए है, ताकि लोगों के जो इकोनॉमिक राइट्स हैं उन्हें ध्यान में रखा जा सके। ये हो गया इकोनॉमिक राइट। फिर थर्ड आते हैं कल्चरल राइट। देखिए सोसाइटी की हमेशा ये सोच रहती है कि उसके जो कल्चरल राइट हैं उन्हें सिक्योर करके रखा जाए। देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें भी हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उन 6 पार्ट्स में से एक जो राइट है वो कौन सा है, कल्चरल राइट। और ये जो कल्चरल राइट है इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे किसी की भी कोई भी कल्चर है उसे वो संभाल के रख सके, किसी की लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज को संभाल के रख सके, कोई माइनॉरिटी है वो क्या कर सकती है, उसके लिए अपना कॉलेज वगैरह एस्टेब्लिश करना चाहे तो वो कर सकती है। उस माइनॉरिटी में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इस तरह से इफेक्टिव नहीं होती है कि जो उसका माइनॉरिटी स्टेटस है, जैसे सपोज कीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसमें सपोज कीजिए गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आप इतने लोग एंटर करवा लीजिए अपने कॉलेज में, तो क्या रहेगा, ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी जो राइट्स हैं कल्चरल राइट के अंडर, उसको राइट मिलता है कि वो जिस तरह से अपने इंस्टीट्यूशन को चलाना चाहे वो चला सकती है। मगर अगर रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी ने अपना कॉलेज एस्टेब्लिश किया था उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ही नहीं ज़्यादा आ पा रहे हैं, तो इसका जो मेन पर्पज़ था वो तो विशिएट हो जाएगा। तो इस वजह से इसे राइट मिलता है माइनॉरिटी कम्युनिटी को कि वो जैसे चाहे वैसे रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई कर सकती है, और गवर्नमेंट इस हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती कि इस इंस्टीट्यूशन का माइनॉरिटी स्टेटस ही थ्रेटन हो जाए। उसके बाद बात आती है राइट्स नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन स्टेट बट ऑल्सो ऑन सिटीजन। राइट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो स्टेट की रिलेटेड चीज़ होती है, उसमें जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनका भी काम रहता है। अब जैसे हमने बात किया था कि आर्टिकल 17 के अंदर जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट है वो क्या है कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी कौन प्रैक्टिस करता है, आम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप और हम जैसे, तो वो लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना करें इस वजह से जो सिटीजन्स हैं उन्हें ही तो काम करना पड़ेगा। तो ये जो आर्टिकल 17 है वो हम ये बोल सकते हैं स्टेट के खिलाफ तो चलो थोड़ा बहुत है ही है, मगर वो सिटीजन्स के खिलाफ है, क्योंकि मेनली उसका कंसर्न क्या है कि ये जो सिटीजन्स हैं उन्हें एक्चुअल में इस तरह से काम करना है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना हो। फिर बात आती है कि जो राइट्स हैं वो ऐसा नहीं है एब्सोल्यूट मिलते हैं, वो हमने पहले जो हमारे लक्ष्मीकांत का चैप्टर 7 है जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए हैं उसमें भी हमने बात किया था कि जो राइट्स हैं वो उनके साथ कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस भी रहती हैं, कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ भी रहती हैं। ड्यूटीज़ कैसे हैं, जैसे यहाँ पे 4 ड्यूटीज़ लिस्ट आउट की गई है। फर्स्ट ड्यूटी क्या है कि वी हैव टू इन्जॉय आवर राइट विदाउट इन्फ्रिंजिंग इनटू एनीवन एल्स राइट, एक ही हमें अपना राइट इंजॉय करना है, बिल्कुल करना है क्योंकि हमें वो राइट मिला है। मगर उस राइट का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे का जो राइट है उसके अंदर इन्फ्रिंज करना शुरू कर दें। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मगर मैं इस तरह से अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ करूँ कि मैं बोलती जाऊँ दूसरे को बोलने ही ना दूँ, या दूसरे का जब वो दूसरा बोलना शुरू करे तब मैं बोल दूँ नहीं मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो इस वजह से मैं अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से करना चाहती हूँ इसलिए तुम मत बोलो। तो वो क्या है, वो उसके उस पर्सन की जो राइट है उसको इन्फ्रिंज करेगा। या एक तरीका और भी हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे कि उसकी डिग्निटी हर्ट हो जाए, तो उस केस में क्या हो रहा है कि मेरा जो राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो उसका राइट है राइट टू लिव विद डिग्निटी उसके अगेंस्ट में चला जाएगा, तो वो भी एक तरह से गलत है। तो इसलिए हमें अपना राइट यूज़ करना है, इंजॉय करना है, पर इस तरह से कि वो दूसरे के राइट को हार्म ना करे। फिर दूसरा क्या है, वी आर ऑब्लाइज टू एक्ट एज रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिस्पॉन्सिबल पर्सन कैसे, ऐसा नहीं है कि आपके घर में टैप खुला है वाटर टैप और वो खुला ही रह गया, आपको कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है वो पानी वेस्ट हो रहा है तो होने दो, मेरा तो ठीक है मैं पानी वेस्ट कर रही हूँ तो उस हिसाब से मेरा बिल आ जाएगा। मगर हमें उसे इस तरह से नहीं देखना है, हमें किस हिसाब से देखना है कि वो हमारी कंट्री का एक रिसोर्स है। अगर सपोज कीजिए हमारी कंट्री में हम इतना पानी वेस्ट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे पानी ही नहीं आता है, और आप फिर वही बात आ जाती है कि जो रोल की थ्योरी थी उस हिसाब से आप सोचिए कि अगर आप उस एडवर्स कंडीशन में हो, एक ही आपके पास पानी ना हो तो आपको कैसा लगेगा।
तो आप भी व्हील ऑफ इग्नोरेंस के हिसाब से सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये बिल्कुल गलत है, हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन के हिसाब से सोचना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, मिनिमम एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन करना, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन के मामले में तो हद ही हो रखी है, फिर ग्रीन कवर को मेंटेन करके रखना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दिखाती हैं। तो ये भी आपकी एक ऑब्लिगेशन है, राइट, आप इंजॉय करना चाहते हो पर एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कुछ नहीं करना चाहते हो, तो ये भी गलत है। फिर थर्ड ऑब्लिगेशन क्या आती है, वी मस्ट बैलेंस आवर राइट्स व्हेन दे कम इन टू कॉन्फ्लिक्ट, फॉर एग्जाम्पल हैव राइट टू टेक पिक्चर। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हमारा जो राइट है वो किसी और के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। अब हमारे पास वही बात जो मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया था इन्फ्रिंजमेंट वाले में, कि अगर सपोज मेरा राइट जो है उससे किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है कि मेरे पास राइट है कि मैं फ़ोटो क्लिक कर सकती हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का फ़ोटो उसकी मर्जी के बिना ले लूँ, वो तो गलत है, वो किसका वायलेशन है, राइट टू प्राइवेसी का। तो वही यहाँ बोला जाता है कि आपको अपने राइट्स को बैलेंस करके चलना है कि वो किसी दूसरे के राइट को इन्फ्रिंज ना करे या उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। फिर लास्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है, राइट कैन बी सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जिसने की पूरी कहानी ख़त्म कर दी, देखिए जितने भी राइट्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। अब देखिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं जिनकी हम बात करते हैं कि जो इतने सैक्रोसेंट हम मानते हैं अपनी पॉलिटी में, जिसको लेके हमेशा हम लोग न्यूज़ में कोई ना कोई डिबेट सुनते रहते हैं या कोई ना कोई केस है जो सुप्रीम कोर्ट में हर टाइम आता रहता है फंडामेंटल राइट को लेके, तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जुड़ी हुई है कि स्टेट के पास पावर है, वो कोई ना कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम ये सारी की सारी जितनी भी हमने ये ऑब्लिगेशंस देखी हैं उनको फॉलो करें, ताकि जो स्टेट है वो मिनिमम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगाएं, उसे ज़रूरत ही ना पड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाने की, और हम अपने राइट्स इतने अच्छे से यूज़ करें ताकि हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकें और हम अपनी कंट्री को बहुत आगे लेके जा सकें। तो इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। अभी हम लास्ट में समराइज करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने राइट्स के बारे में देखा कि राइट्स क्या होते हैं, लोग इसके बारे में क्या समझते हैं। फिर हमने देखा राइट्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। हमने देखा कि राइट्स जो है ह्यूमन राइट्स तो है ही हैं, उसके बिना कौन से राइट हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स या अदर लीगल राइट्स जो हैं। फिर हमने बात की कि जो राइट्स हैं वो मेनली थ्री एस्पेक्ट या थ्री टाइप्स के होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल। फिर लास्ट में हमने बात किया कि जो राइट्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस भी आती हैं, वो ऑब्लिगेशंस क्या है और उनका हमें कैसे ध्यान रखना है। तो इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।